तो आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, किस तरह का इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए और किस तरह का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए। 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं हर साल। कौन सी बीमारी किसको कब पकड़े? सर आज के टाइम में तो अच्छे खासे वो जिम करने वाले लड़कों का हार्ट अटैक आ जाता है। इन सब एक्सीडेंट में ये सब जब पहुंचते हैं हॉस्पिटल, पैसों का कितना बड़ा नुकसान होता है। किसी का घर, किसी का जमीन, किसी का कुछ, सब कुछ बर्बाद हो गया हॉस्पिटल में। ऐसे सारे कुछ केसेस हो सकता है, आपने भी सुने होंगे। और ऐसे केस में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आदमी को पता कैसे चले कि किस तरह का इंश्योरेंस लिया जाए? तो एक बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि मार्केट में बिकने वाले कई तरह के हेल्थ इंश्योरेंस हैं, हम कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस चुने? जरा हम इस पर बात कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने पैसे को सुरक्षित कैसे किया जाए किसी खतरे से, किसी विपत्ति से। हमारे यहां पे कहावत है, पैसे को खतरा, सबसे बड़ा खतरा दो लोगों से होता है, एक काले कोट और सफेद कोट। काले कोट का मतलब कोर्ट कचहरी वकील, सफेद कोट का मतलब डॉक्टर हॉस्पिटल। क्योंकि एक बार आदमी अगर इनके चक्कर में पड़ गया फिर उसके हाथ में कुछ नहीं होता, ये कोर्ट वालों के हाथ में होता है। आपसे कितना बड़ा बिल बनेगा और कब तक बनता रहेगा और कितने जनरेशन तक उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं होता सर। इसीलिए कहते हैं इनके हाथ में अगर जिसकी जिंदगी पड़ गई उसकी जिंदगी खराब। अब दिक्कत यह है कि काले कोट के चक्कर में आप पड़े तो भैया आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सफेद कोट वालों के चक्कर में पड़ने के बाद जो पैसे का लॉस आपका होने वाला है उस लॉस को बचाया जा सकता है। बट उससे बात करने से पहले कुछ फुटेज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वैसे फुटेज आप कोई भी देख लो। सर ये भाई साहब को देखना, शांति से चले आ रहे हैं बाइक से, खेल खत्म। कुछ सेकंड पहले शायद ये अपने परिवार के बारे में सोच रहे होंगे, भविष्य के बारे में, पास्ट के बारे में कुछ भी सोच रहे होंगे। कुछ सेकंड बाद अगर ये बचे हैं तो हॉस्पिटल में लंबा बिल बनने वाला है, अब नहीं बचे हैं तो इन्होंने सोचा होगा क्या इनके साथ ये हो सकता है। हाँ आप ये कह सकते हो कि रॉन्ग साइड में आ रहे थे इसलिए शायद इसलिए हुआ, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ हिंदुस्तान में लाखों लोग हर रोज रॉन्ग साइड में चलते हैं, सबके साथ क्यों नहीं होता, इन्हीं के साथ क्यों हुआ या किसी एक के साथ क्यों होता है? हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि रॉन्ग साइड में चलना ठीक है, वो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन चलते तो बहुत सारे लोग हैं, फिर किसी एक के साथ क्यों होता? और जिसके साथ हुआ क्या उसने ये सोचा था कि उसके साथ आज ये हादसा होने वाला है? नहीं ना, कोई नहीं सोचता। एक चीज और दिखाता हूं सर, जब मैंने गूगल में सर्च करा रोड एक्सीडेंट इन इंडिया तो आंकड़ा जो निकल के आया मैं हैरान हो गया। सर 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं हर साल, 1.5 लाख लोग। हर घंटे 18 डेथ हो रही है रोड पर, 47 एक्सीडेंट और 18 डेथ एवरी आर हर घंटे रोड पर होता है। क्या इनमें से किसी ने सोचा होगा? नहीं ना। अब सवाल उठता है ये सब बात हम कर क्यों रहे हैं? सर हम बात कर रहे हैं, अच्छा इन सब एक्सीडेंट में ये सब जब पहुंचते हैं हॉस्पिटल, पैसों का कितना बड़ा नुकसान होता है और कमाए हुए पैसे के साथ साथ, बचाए हुए पैसे के साथ साथ शायद हो सकता है किसी का घर, किसी का जमीन, किसी का कुछ, सब कुछ बर्बाद हो गया हॉस्पिटल में। ऐसे सारे कुछ केसेस हो सकता है, आपने भी सुने होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो आसपास किसी हॉस्पिटल के चक्कर लगा लेना सर, हर रोज ऐसे कई किस्से आपको मिलेंगे जो कि बर्बाद होकर के गए हैं हॉस्पिटल से। तो आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, पैसों को सिक्योर करने का एक तरीका, बड़ा तरीका है सर हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए, कौन सी बीमारी किसको कब पकड़े। सर आज के टाइम में तो अच्छे खासे वो जिम करने वाले लड़कों का हार्ट अटैक आ जाता है, अच्छे खासे दौड़ने वाले लड़कों का हार्ट अटैक आता है। आज मैं तो एक ऐसे किस्से को देखा है जो एक महीने की छोटी सी बच्ची को डायबिटीज है। सर एक महीने की छोटी सी बच्ची को डायबिटीज कैसे हो सकता है और क्या कर लिया उसने? अच्छा कैंसर होता है, लंग्स कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को, ना कभी सिगरेट पिया ना कभी गुटखा खाया, छोटे छोटे बच्चों को लंग कैंसर कैसे हो गया? सर जिंदगी का आज के समय में कोई भी भरोसा नहीं है, कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। और ऐसे केस में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो फिर काले कोट और सफेद कोट वाली बात हमने करी ना। सर कौन जानता है कब काले कोट का चक्कर लगे कब सफेद कोट का चक्कर लगे? काले कोट का चक्कर का तो इलाज नहीं है, लेकिन सफेद कोट के चक्कर का इलाज है हेल्थ इंश्योरेंस, अगर हम वो ले लें उससे बच सकते हैं। अब जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो एक बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि मार्केट में बिकने वाले कई तरह के हेल्थ इंश्योरेंस हैं, हम कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस चुने? जरा हम इस पर बात कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन हेल्थ इंश्योरेंस है जैसा हमने बात करा। अब जनरली तीन टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, ये कॉर्पोरेट इंश्योरेंस वही है जो हमारे नेबर का था जो शहीद हो जाता है भैया तुरंत, और इस कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के भरोसे तो कभी नहीं बैठना चाहिए, सिर्फ लिमिट कम होती है ये रीजन नहीं है, और भी कई सारे रीजन है मैं आगे बताऊंगा आपको। दूसरा होता है सेल्फ इंश्योरेंस और तीसरा होता है फैमिली फ्लोटर। क्या क्या होता है? सेल्फ क्या होता है कि आप सिर्फ अपने लिए इंश्योरेंस ले रहे हो कि अपने को कभी हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत पड़ी तो वो खर्चा कंपनी दे देगी, इंश्योरेंस वाली कंपनी। दूसरा होता है फैमिली फ्लोटर, मतलब परिवार में किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी तो बर्डन परिवार पर ना आए, वो खर्चा कंपनी देगी। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, डोंट वरी। सबसे बड़ी चीज जो होती है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त कौन कौन से फैक्टर आपको ध्यान में रखने चाहिए। देखो इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जिसमें लोग सबसे ज्यादा बेवकूफ बनते हैं, कारण सबसे बड़ा होता है एजेंट।
अब एजेंट भी क्या करे भैया, उनको भी घर बार चलाना है। एजेंट की मजबूरी ये है कि उनको जिसमें सबसे ज्यादा कमीशन है वो वाला प्लान बेचेंगे, लेकिन जिस प्लान में एजेंट का सबसे ज्यादा कमीशन है उसमें कस्टमर का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भैया एजेंट पर भरोसा कर नहीं सकते कि, तो एक आम आदमी को पता कैसे चले कि किस तरह का सही इंश्योरेंस लिया जाए। इस सेशन में देखो, मैं कोई इंश्योरेंस बेचने के लिए नहीं आया हूं, आपको इंश्योरेंस के लिए सिर्फ अवेयर करने आया हूं किस तरह का इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए और किस तरह का नहीं लेना चाहिए। तो देखो बेसिकली मेरे हिसाब से ये 7 पैरामीटर हैं जो को आपको कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त ये जरूर देखना चाहिए। पहली चीज, ये सब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखाने वाला हूं, डोंट वरी, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा आपको। पहली चीज तो देखो, इनफ सम एश्योर्ड होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, 2 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, 3 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, 5 लाख का इंश्योरेंस ले लिया। सर आज के समय में अगर आप छोटे मोटे शहर में भी रहते हो, दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रहते हो, तो फिर तो 5 लाख तो भूल ही जाओ। यहां तो कम से कम 15-20 लाख रुपए के इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। अगर आप छोटे शहरों में भी रहते हो, सर छोटे शहरों में भी 5 लाख का इंश्योरेंस, एक मामूली हॉस्पिटल में भी जाओगे ना, थोड़ा बहुत किडनी विडनी पथरी वथरी के ऑपरेशन को छोड़ करके थोड़ा उससे बड़े लेवल की बीमारी अगर जाओ, तो एक बीमारी 5 लाख रुपए तो बड़े आराम से लेकर के जाएगी। तो 5 लाख का भी इंश्योरेंस आज के टाइम में इनफ नहीं रहा। तो सबसे पहली चीज ये डिसाइड करो, जितने का इंश्योरेंस ले रहे हो कितना वो चाहिए आपको। 10 लाख का चाहिए, 15 लाख का चाहिए, 20 लाख का चाहिए, वो आप डिसाइड करो, आपको देखना चाहिए। दूसरी चीज सर, जो इंश्योरेंस आप ले रहे हो वो पूरी तरीके से कैशलेस होना चाहिए। जैसे कुछ इंश्योरेंस ये होते हैं, ऐसे होते हैं, जब आपने इंश्योरेंस ले लिया उसका पैसा आप खुद हॉस्पिटल को भरो, बाद में वो बिल दो इंश्योरेंस कंपनी को, बाद में वो पैसा आपको वापस करेगी। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आपको 10 लाख रुपए का बिल आ गया, तो हर किसी के पास 10 लाख रुपए तो होते नहीं है, लोन लान लेकर के देने पड़ेंगे, तो आप पर तो बर्डन आ गया ना, फिर क्या फायदा इस इंश्योरेंस का। तो ऐसा इंश्योरेंस आपको चुनना है जो पूरी तरीके से कैशलेस हो। कैशलेस कहने का मतलब हॉस्पिटल का XYZ जो भी बिल हो वो इंश्योरेंस कंपनी ही सीधा पे करेगी, आप पर बर्डन बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो कैशलेस होना चाहिए। नेक्स्ट है कोपे। कोपे क्या होता है? कोपे आधा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, आधा मतलब आधा नहीं, कई बार क्या होता है कि 80% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, 20% आपको पे करना है। 10 लाख का अगर बिल आया तो 8 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, लेकिन 2 लाख रुपए फिर भी आपको पे करना हो। तो आपको यह ध्यान देना है कोपे 100% होना चाहिए। 100% होने का मतलब ये पूरा 100% वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, आपको किसी भी हालत में कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ये कोपे बड़े, ये वर्ड यही है, टर्मिनोलॉजी एग्जैक्टली यही यूज होगा, ये 100% होना चाहिए सर। नेक्स्ट है रूम रेंट। रूम रेंट का बड़ा झोल है सर, कुछ इतने खतरनाक पॉलिसीज होते हैं जिसमें रूम रेंट अगर आपका 1% है, और जनरली रूम रेंट 1% होता है, या फिर रूम रेंट कैपिंग नो कैपिंग होता है। रूम रेंट कैपिंग अगर 1% है तो इसका मतलब ये सोचो कि अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका 1% 5,000 रुपए, 5,000 रुपए का ही रूम आप हॉस्पिटल में ले सकते हो। अगर आपने 8,000 रुपए का रूम ले लिया तो आपको बचा हुआ 3,000 वो डेली का आपको पे करना पड़ेगा। और कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि इसके बेस पे आपका सम एश्योर्ड भी डिसाइड हो जाता है। मतलब आपने अगर 5,000 रुपए का आपका रूम रेंट आ रहा है और 10,000 रुपए का एक्चुअल रूम है, तो 5,000 दे रही है, 50% दे रही है, तो पूरा सम एश्योर्ड ही कंपनी 50% कर देती है। ऐसे ऐसे खतरनाक प्लान है भैया। मतलब समझे कि नहीं, मतलब ये समझाता हूं कि अगर 10,000 रुपए का रूम आपने ले लिया और आपकी इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 5,000 रुपए पे कर रही है, तो सिर्फ 5,000 का लफड़ा नहीं पड़ा, 5,000 का गैप नहीं बना सर, टोटल जो आपका 5 लाख रुपए था, कंपनी कहती है हम 5 लाख नहीं देंगे, हम 2.5 लाख ही देंगे, बाकी 2.5 लाख और भरो आप। ऐसे ऐसे भी प्लान है। तो इन सब लफड़ों से बचने के लिए ये चीज जरूर ध्यान दीजिए कि रूम रेंट की कैपिंग नो लिमिट हो, कोई लिमिट नहीं हो। सर 5,000 का रूम हो या 50,000 का रूम हो, इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी, ये ध्यान रखना। वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड क्या होता है? जनरली जो सभी इंश्योरेंस में होता है 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। मतलब जिस दिन से आपने इंश्योरेंस लिया है 30 डेज के बाद से आपके सारे डिजीजेस, सारी बीमारियां कवर हो जाती है, एक्सेप्ट एनी एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, आपने अभी इंश्योरेंस लिया 10 मिनट बाद एक्सीडेंट हो गया तो वो कवर होता है, लेकिन पहले से कोई बीमारी वगैरह है तो 30 डेज 60 डेज वो देखने की जरूरत होती है। आपका एग्जिस्टिंग डिजीज कितने दिन के बाद कवर है या कितने दिन के बाद कोई भी डिजीज वो कंपनी कवर करने लग जाती है। नेक्स्ट आपको देखना चाहिए प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 30 दिन 60 दिन। अब हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ही सारा खर्चा मेन नहीं होता ना। मान लो आपको कोई सर्जरी होनी है और सर्जरी का पिछले 1 महीने से आप कंसल्टेशन चल रहा है, 1 महीने में 10 बार आपने डॉक्टर विजिट करा, तो डॉक्टर विजिट करने का कंसल्टेशन चार्ज डॉक्टर लेगा ना, दवाई वाई का लेगा ना। तो कई सारी कंपनियां ऐसी होती है जो 30 दिन पहले हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन होने से 30 दिन पहले जो भी आपका खर्चा हुआ या 60 दिन पहले जो भी आपका खर्चा हुआ वो कंपनी दे देगी आपको। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब जब आप डिस्चार्ज होंगे तो उससे 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद, 180 दिन बाद, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग है, वो आपको देखना चाहिए कि कितने मैक्सिमम दिन तक ये कंपनी मेरे को बियर करने वाली है हॉस्पिटलाइजेशन खत्म होने के बाद भी। ये आपको जरूर देखना चाहिए, जिसका सबसे ज्यादा है वो लेना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट है सर डे केयर की फैसिलिटी जरूर देख लो। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे बहुत सारे डायलिसिस होते हैं जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती है। जनरली इंश्योरेंस कब कवर होता है? कम से कम 24 घंटे के लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है। अगर 24 घंटे के अंदर आप डिस्चार्ज हो रहे हो तो हॉस्पिटल का बिल आप ही को देना है, इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो 3 घंटे 4 घंटे के होते हैं, तो डे केयर ये जरूर देख लो कि आपके इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए, कि 4 घंटे का जो एक्टिविटी हॉस्पिटल में हो रहा है, जो प्रोसीजर 4 घंटे का हो रहा है, वो भी कवर होना चाहिए, ये जरूर देख लिया करो। तो ये 7 फैक्टर मेजरली इन्वॉल्व है जो आपको हमेशा देखना ही चाहिए। अब नेक्स्ट, मैंने यहां पर एक गोला बना रखा भैया, नो डिपेंडेंसी ऑन कॉर्पोरेट प्लान। बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हमारा तो कंपनी ने प्लान ले रखा है, हमारे को कंपनी में दे रखा है, हम काहे को अलग से प्लान ले। सर जो आप किसी भी कंपनी में, कितनी भी बड़ी से बड़ी, कितनी भी छोटी से छोटी, जो कंपनी का प्लान होता है सर, बहुत ज्यादा उसमें आपका सम एश्योर्ड नहीं होता है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख, इससे ज्यादा सम एश्योर्ड होता ही नहीं है। और भगवान न करे कभी ऐसा हो कि नौकरी जिस दिन गई ना सर, वो इंश्योरेंस भी उसी पल खत्म हो जाता है। नौकरी जाने के अगले दिन अगर किसी वजह से हॉस्पिटलाइज होने की नौबत पड़ी तो कंपनी कुछ नहीं काम आएगा सर, क्योंकि आपका कंपनी छोड़ते ही, अगर दोपहर को 12 बजे आपने कंपनी छोड़ा तो दोपहर को 12 बजे आपका इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका है, उसके बाद इंश्योरेंस काम नहीं आने वाला। तो पहली चीज तो भैया वो बहुत छोटा सम एश्योर्ड होता है। दूसरी चीज, जब तक नौकरी है तभी तक वो है, जब तक वो है। तीसरी चीज, रूम रेंट कैपिंग और ये सब जो हमने बात बताया ना, इन सब में बहुत सारे झोलझाल वाले प्लान कॉर्पोरेट में आपको दिए जाते हैं जिसका आपको कभी पता भी नहीं चलता। पता कब चलता है? जब क्लेम लेने जाओगे। तो इसलिए कॉर्पोरेट प्लान के तो भरोसे कभी बैठना ही नहीं चाहिए सर, खुद का इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अब जरा मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं ये प्रोसेस करते कैसे हैं, सही हेल्थ इंश्योरेंस चुनते कैसे हैं, और मोबाइल पर करके दिखाता हूं, क्योंकि मोबाइल पर दिखाऊंगा तो आपके लिए भी ईजी रहेगा। सबसे पहले मैं कर देता हूं स्क्रीन शेयर, स्क्रीन आपको दिख रही है, मैंने पॉलिसी बाजार ओपन कर रखा है, यहां पर मेरी डिटेल ये पूछेगा। अब यहां पर देखो, हमने सेल्फ और फैमिली फ्लोटर की बात करी थी ना, तो अगर आप सेल्फ लेते हो तो आपके सेल्फ के लिए इंश्योरेंस हो गया। फैमिली फ्लोटर आप लेते हो, फैमिली फ्लोटर मतलब पूरी फैमिली कवर हो जाएगी उतने ही अमाउंट में। मान लो आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया, तो 10 लाख रुपए का सेल्फ के लिए लिया तो सिर्फ आप पर कोई आफत आएगी तो 10 लाख रुपए यूज होगा। लेकिन फैमिली फ्लोटर का लेने का मतलब वो 10 लाख रुपए फैमिली में किसी पर भी कोई जरूरत आ जाए तो वो 10 लाख रुपए उस फैमिली मेंबर पर यूज होगा। फिलहाल मैं दिखाने के लिए सेल्फ लेकर के आगे बढ़ता हूं। मैंने उम्र डाल दिया 25 साल, हालांकि मैं 25 का नहीं हूं, 25 मैंने डाल दिया, दिल्ली मैंने डाल दिया। अब नन ऑफ दीज, मैं भैया कुछ नहीं करता, बीपीओ वगैरह कुछ नहीं है, तो नन ऑफ दीज देकर के मैं आगे बढ़ गया। अब यहां पर देखो एग्जांपल इसने दिया है कि अगर आप 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रहे हो, अच्छा ये उम्र के हिसाब से होता है, 25 उम्र नाला मैंने इसलिए 5 लगाया है, ऊपर नीचे एज डालता तो ऊपर नीचे होता, तो 5 लाख रुपए अगर मैं ले रहा हूं तो 756 रुपए पर मंथ आ रहा है, 9000 रुपए एनुअली आ रहा है सर, ठीक है। अब जरा कुछ डिटेल आपको दिखाता हूं। अब जैसे सबसे पहले ये ऑप्टिमा सिक्योर आ रहा है, हम इसका प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जब सब ऊपर आ रहा है तो हम खोल करके देख ले रहे हैं। तो व्यू ऑल फीचर में आ जाओ सबसे पहले, खरीदने से पहले, अच्छा ये सारे का देखना, सारे का फीचर लिस्ट में ये बहुत सारे इंश्योरेंस आ गए ना, ये सबका आपको खोल खोल के देखना है जिसमें आपको बेस्ट लगे। अच्छा खरीदने से पहले पेन पेपर लेना, सबके फीचर नोट करते रहना किसमें आपको बेहतर मिल रहा है। वैसे यहां पर भी कंपेयर करने का ऑप्शन है, आप देखो यहां पर भी एक ऐड टू कंपेयर करने का ऑप्शन है, इसमें अगर कंफर्टेबल हो इसमें कर लेना, नहीं कंफर्टेबल हो तो पेन पेपर लेके कर लेना, लेकिन कंपेयर करे बिना ना खरीदना। मैं व्यू ऑल फीचर पर क्लिक कर देता हूं। देखो पहली चीज तो ये कह रहा है कि इन्होंने 3 महीने में 98% का, ठीक है अपनी तारीफ करने कर लिया तो कर लिया। रूम रेंट लिमिट, जिस रूम रेंट लिमिट की हम बात कर रहे हैं, इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहां पे लिख के भी आ रहा है नो रूम रेंट लिमिट, यानी कि जो हम चाह रहे थे वो इस प्लान में मेरे को मिल रहा है, लिमिट नहीं होना चाहिए। अच्छा सब में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है खोल खोल के देखना है। रिस्टोरेशन ऑफ कवर 5 लाख वंस ए ईयर और फॉर लेटर अंडरलाइंस, मतलब कहने का मतलब है कि आपको 1 साल में अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो 5 लाख रुपए और एड ऑन हो जाता है आपके पॉलिसी में। नो क्लेम बोनस, अगर आप कोई यूज नहीं करते हो पॉलिसी तो नो क्लेम बोनस का मतलब होता है 2.5 लाख रुपए और ऐड हो जाएगा फर्स्ट रिन्यूअल के बाद, एंड 5 लाख रुपए और ऐड हो जाएगा 2 साल के बाद अगर आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती तब तक, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो नीचे क्या है, कैशलेस हॉस्पिटल जो हमने बात करी, 9414 हॉस्पिटल्स हैं इनके नेटवर्क में पूरे इंडिया में, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ कैशलेस आपका हो जाएगा। अच्छा इसके बियॉन्ड किसी और हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ती है, कोई गांव देहात में है वहां हॉस्पिटल नहीं है तो वहां पर कैशलेस नहीं होगा, ये कहने का मतलब है वहां पे आपको पैसा देना पड़ेगा। ये केस तो आपको सारे ही में मिलेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कंपनी नहीं होगा जो इंडिया के गांव देहात के भी हॉस्पिटल को भी कवर कर ले, क्योंकि वो लिस्ट में नहीं होते, उनको कंपनियां जानती भी नहीं है, ठीक है। तो आपको कंपेयर ये करना है कि सबसे ज्यादा हॉस्पिटल उसके नेटवर्क में हो और कैशलेस हो, वो वाला हम लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कोपे, कोपे कह रहा है ना 100% पेड बाय इंश्योरर, इंश्योरर कौन, इंश्योरेंस कंपनी 100% पे करेगी, ये आपको जरूर देखना है, ये अच्छा है, ये जरूर देखना है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन, मतलब
एडमिट होने से 60 दिन पहले तक का जो भी खर्चा है वो कंपनी पे करेगी, ये बढ़िया है। अब नीचे देखो 180 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, हॉस्पिटलाइजेशन होने के 80 दिन बाद तक ये कवर कर रही है, मतलब 6 महीने तक, ये बहुत बढ़िया है। और भी कंपेयर कर लेना, किसी में 7 महीने होगा तो वो देख लेना, वो ले लेना। अब डे केयर ट्रीटमेंट, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट, ये बढ़िया बात है। जैसे हमने डे केयर की बात करी थी यहाँ पे, 3-4 घंटे वाला प्रोसीजर, वो भी कवर हो रहा है। और नीचे आते हैं, अच्छा एक अच्छी चीज मुझे और लगी, हॉस्पिटलाइजेशन एट होम, ये रिसेंटली शायद शुरू हुआ है, बहुत पहले तो मैं नहीं देखा करता था। अब ये कह रहा है कि बहुत सारे केसेस में हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं होते, या किसी रीजन से आपको घर में ट्रीट अगर किया जा रहा है उस हॉस्पिटल की तरफ से, तो भी आपको पूरा का पूरा कवर कंपनी की तरफ से मिलता है। नीचे एम्बुलेंस अप टू 5 लाख, 5 लाख तक का खर्चा एम्बुलेंस देगी, आप देख लेना। किसी दूसरे में 7 लाख मिल रहा है, 8 लाख मिल रहा है, तो वो चेक करना। अब और चीज देखो नीचे है, एग्जिस्टिंग इलनेस कवर 3 साल, इसको खोल के देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। द मिनिमम पीरियड पॉलिसी होल्डर नीड्स टू वेट बिफोर फाइलिंग अ क्लेम 3 साल इन केस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग इलनेस सच एज डायबिटीज, मतलब ये कह रहा है कि ये जो 2-4 बीमारी इसने लिखी है, ऐसे बीमारी अगर पहले से है इंश्योरेंस लेने के, आज आप इंश्योरेंस ले रहे हो और पहले से ही है, तो ये बीमारियों का कोई खतरा जो होगा, इस वजह से कोई खतरा आएगा, तो वो आपको पॉलिसी लेने के 3 साल बाद कवर होगा। दूसरा वाला इंश्योरेंस देख लेना, किसी में तुरंत हो जाए, किसी में 2 साल हो जाए, किसी में 2 साल, मतलब जितनी जल्दी जल्दी कवर होने लग जाए अच्छा है, ठीक है। तो 3 साल कौन वेट करेगा, तो ये जरूर देखना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट, हाँ एक और चीज देखो भैया, मैटरनिटी कवर इस प्लान में नहीं है, होना चाहिए। आजकल बहुत सारे प्लान ऐसे अवेलेबल हो गए हैं जो मैटरनिटी मतलब प्रेगनेंसी कवर, प्रेगनेंसी का खर्चा आज के टाइम में पता ही है आपको भैया, 1 लाख रुपए से कम में तो बच्चा पैदा होता ही नहीं, आज मिनिमम खर्चा ही 1 लाख रुपए का है, तो वो खर्चा भी आप क्यों पे करो अगर कंपनी दे सकती है। तो ऐसा प्लान चूज करना जिसमें प्रेगनेंसी का भी कवर हो। हाँ, प्रेगनेंसी का कवर जिनमें होता है वो कुछ समय बाद लेते हैं पॉलिसी लेने के, 2 साल बाद या 1 साल बाद ही वो कवर होता है, तो वो चीज जरूर देख लीजिएगा। जितने कम समय में पॉलिसी अभी लिया और उसके जितने कम समय में प्रेगनेंसी कवर हो जाए, अगर आपके घर की नीड है वो भी देख लेना, पता चला आप बैचलर ही हो और प्रेगनेंसी कवर ले रहे हो, तो काहे ले रहे हो भैया, खुद प्रेग्नेंट हो गए क्या, ठीक है, तो ये जरूर देख लेना। अच्छा, इनिशियल वेटिंग पीरियड, भैया जैसे ही आप पॉलिसी ले रहे हो तो कोई भी डिजीज 30 दिन बाद कवर होगा, एक्सेप्ट क्लेम्स अराइजिंग ड्यू टू एक्सीडेंट प्रोवाइडर्स, मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया वो तो तुरंत ही कवर हो जाएगा, लेकिन पॉलिसी लेने के 30 दिन बाद ही कोई डिजीज वगैरह कवर होगा, ठीक। अब स्पेसिफिक इलनेस कवर, ये कुछ लिस्ट इन्होंने दे रखी होगी कि 24 महीने ये सब खोल खाल के पढ़ लेना। अच्छा, सेम चीज आपको कंपेयर करना है दूसरे सभी प्लान में, तो ये मेजर कुछ चीजें थी, और भी कुछ नहीं जाए क्या, और कुछ मेजर नहीं है, बाकी चीजें आप पढ़ करके देख सकते हो। अच्छा, मैं अब इसको कर देता हूं ऑफ, ठीक है। तो ये मेजर चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए सर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले। अब सवाल ये उठता है कि पॉलिसी बाजार से ही अपने को इंश्योरेंस क्यों लेना है। देखो, पॉलिसी बाजार से लेने के बहुत सारे फायदे हैं। एक चीज तो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है, 30 मिनट्स इनका क्लेम सपोर्ट है, मतलब कोई भी क्लेम आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो 30 मिनट में ये क्लेम सपोर्ट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, और कई बार जरूरत पड़ने पर इनके एम्प्लॉयज हॉस्पिटल आकर के भी आपकी फिजिकली मदद करते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि किसी भी नॉर्मल एजेंट के मुकाबले इनकी पावर बहुत ज्यादा है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से नेगोशिएट करने की, तो इनका मैक्सिमम काम फोन पे ही हो जाता है। एक एजेंट कई बार हमारे को अच्छा लगता है, ये एजेंट बहुत बढ़िया है, हमारे लिए चक्कर काट काट के हमारे को क्लेम दिलाया, सर वो एजेंट की औकात छोटी है इसलिए वो चक्कर काटना पड़ा उसको। पॉलिसी बाजार चूंकि बहुत बड़ा जाइंट है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो शायद उसके एक फोन पर काम हो जाए जो एजेंट को चक्कर मार मार के करना पड़े। अच्छा, किसी भी एजेंट से अगर आप प्लान लो तो इस तरीके से हर कंपनी का प्लान आपके सामने कंपेयर करके वो नहीं बताएगा, या हो सकता है कि हर चीज आपको खोल करके नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसमें उसका अपना फायदा जरूर होता है कि उसमें ज्यादा कमीशन है वो चीज आपको बेचना चाहेगा, भले भैया कोई हो, फूफा ताऊ कोई भी हो, सर अपना कमीशन तो आदमी ज्यादा कमाना चाहेगा ना, तो इसलिए मेरे हिसाब से एजेंट पर रिलायबिलिटी थोड़ी घट जाती है। पॉलिसी बाजार पर ट्रस्ट इसलिए किया जा सकता है कि ये सारी कंपनियों का निस्वार्थ भाव से आपके सामने डेटा रख दिया है, आप चूज करो, आपको जो पसंद है वो ले लो। तो मैंने अब तक आपको बता दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो, पॉलिसी बाजार से ले रहे हो, तो क्यों पॉलिसी बाजार आपको चूज करना चाहिए, सब चीजें हमने कवर कर दी। देखो भैया, जिंदगी में ना 2 इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए आपके आदमी की लाइफ में, एक तो लाइफ इंश्योरेंस, उसमें सिर्फ टर्म दूसरा नहीं, और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए क्योंकि जिंदगी के सच में कोई भरोसा नहीं है भैया। मैंने अपने सामने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि सिर्फ और सिर्फ ये 2 पैसे कोई एक इंश्योरेंस ना होने की वजह से, या फिर छोटा अमाउंट होने की वजह से, सर सिर्फ वो आदमी बर्बाद नहीं हुआ, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो इसलिए इन दोनों चीजों में कॉम्प्रोमाइज मत करना। आप कितनी भी कम इनकम है, कितना भी कम कमाते हो, कुछ नहीं बचता, तो सर सब कुछ छोड़ छाड़ करके चाहे कम पैसे का ही लो, एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना, एक टर्म प्लान, एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना। तो आज के सेशन में इतना ही।